इलेक्शन श्री गणेश की, इलेक्शन श्री गणेश की, इलेक्शन श्री गणेश और ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की, इलेक्शन श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। श्री गणेश की। भक्तजनों, ओझर के इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ की महिमा का शब्दों में बखान करना असंभव है। ये विघ्नेश्वर श्री गणेश तीर्थ भक्तों के सभी विघ्नों का अंत करेगा। श्री महागणेश की ज्योति का प्रकाश इसे प्रकाशित करता रहेगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। परमपिता देव ऋषि, इस पावन तीर्थ की स्थापना से श्री गणेश भक्ति धारा को एक नया आधार मिला है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो वत्स, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मुझे अब कभी भी अपने प्रिय सखा श्री गणेश के दर्शन नहीं मिलेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो गुणधर? यदि श्री गणेश तुम्हारे सखा हैं, तो केवल इस मूर्ति में ही नहीं, समस्त संसार के कण कण में और तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हे मित्र, हे सखा, मुझे एक बार अपने दर्शन दो। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। दर्शन दो, प्रकट हो, तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध। प्रकट हो, दर्शन दो, दर्शन दो गणेश, दर्शन दो। स्वार्थी कहलाता है। तुमने जगदम्बा माता पार्वती को जो भी वचन दिया है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करो। माताश्री, पिताश्री, मेरे जाने से आप दोनों को कष्ट तो नहीं होगा ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम्हारी स्मृतियाँ तो हमें जीवन का आदर्श प्रदान करेंगी। और ये बात तो तुम कह ही चुके हो पुत्र, कि सच्चे मन की पुकार सुनकर तुम आगे चले। तो भविष्य में हमारी सच्ची पुकार का भी ध्यान रखो। मैं विघ्नेश्वर गणेश के रूप में सदा इस विघ्नेश्वर मूर्ति में निवास करूंगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की जय। विघ्नेश्वर श्री गणेश की जय। ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की जय। चलो पुत्र, इतने लंबे समय बाद कैलाश लौटा देख तुम्हारे पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। विघ्नेश्वर, तुमने अपनी माता पार्वती और माता गौतमी के प्रति कर्तव्य निभाकर अपना गणेश और गुणेश दोनों ही रूप सार्थक किया है। ये तो आपकी और परम देव श्री महागणेश की कृपा का सुफल है पिताश्री। विचित्र असुर की विचित्रता का अंत करने के लिए तुमने गुणेश अवतार धारण किया और गुणेश से तुम विघ्नेश्वर बन गए। विघ्नेश्वर, परंतु विघ्नेश्वर का अर्थ होता है विघ्न डालने वाला। हाँ देवी, मंगल मूर्ति के इस अवतार का कार्य यही है। अर्थात? तुम चिंतित ना हो देवी, अर्थात का अर्थ समझकर तुम्हारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा। तो शीघ्र मेरे मन को प्रसन्न करें स्वामी। विघ्नेश्वर, संसार में विघ्नासुर जैसे दुष्ट कार्य करने वालों के जीवन में विघ्न डालकर सत्य पथ का मार्ग दिखाएंगे। इनके उस स्वरूप का दर्शन करने वाला सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर गणेश धाम प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तब तो मैं शीघ्र ही विघ्नेश्वर तीर्थ यात्रा करूंगी। अर्थात तुम हमारा कैलाश धाम त्यागने का मन में विचार बना रही हो। स्वामी, नारी को तो पति और पुत्र के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। तुम धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि चतुराई। हमारे विनोद को नारी धर्म से जोड़कर तुमने समाज को शिक्षित करने की एक सुंदर प्रेरणा दी है। पुत्र और पति के बीच संतुलन रखने वाली नारी समाज में तुम्हारे ही समान आदर प्राप्त करेगी। अष्टविनायक तीर्थों में विशेष स्थान रखने वाले विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ तब से अब तक गणेश भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस पावन तीर्थ के दर्शन पाने वाले भक्त जीवन की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर महादेव के वचन से श्री गणेश धाम के अधिकारी बन जाते हैं। अष्टविनायक तीर्थों की महान पौराणिक कथा में श्री महागणपति तीर्थ अति प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। श्री महागणपति तीर्थ की पौराणिक कथा त्रिपुरारी शिवशंकर के त्रिपुरासुर वध से जुड़ी है। ये महागणपति तीर्थ सतयुग से लेकर अब तक अपनी चमत्कारी शक्तियों से न केवल असंख्य गणेश भक्तों अपितु संसार की अनेक शुभ शक्तियों की कामना भी पूरी कर चुका है और अब भी कर रहा है। सदा की भांति आज भी कैलाशपति भगवान शिव शंकर अपने प्रिय कैलाश लोक में समाधिस्थ हैं। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। गजानन, तुमने आज त्रिपुरारी शिवशंकर की जय जयकार करके उस दिन की याद दिला दी जब शिवशंकर ने विध्वंसक और विनाशकारी त्रिपुरासुर का वध किया था। माता, आज ही के दिन और आज ही की तिथि पर उस दुष्ट त्रिपुरासुर का वध हुआ था, इसीलिए उस दिन की शुभ स्मृति में त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार की गई। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, इसे संयोग कहना अनुचित होगा। ऐसा लगता है ये सब आप ही की इच्छा का परिणाम है। देवर्षि, जहाँ सारे अपने हों वहाँ संकेतों की भाषा में बात करना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। नारायण नारायण, क्षमा करे माता, क्षमा करे। मैं जिस संयोग की बात कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध श्री गणेश की बातों से है। माता, मैं इस समय उस महान श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करके आ रहा हूँ जहाँ स्वयं महादेव ने तपस्या करके श्री महागणपति को प्रसन्न किया था और श्री गणेश के सहयोग से भयंकर त्रिपुरासुर का वध किया था। आज वही शुभ तिथि है देवर्षि, और त्रिपुरासुर के वध का दृश्य आपके और मंगल मूर्ति के कारण हमारी स्मृति में सजीव हो उठा है। क्या बात है देवर्षि, आप अपने प्रश्नों की भूमिका बना रहे हैं अथवा उत्तर पाने की योजना? नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। देवर्षि, नदी के पास जाकर कोई प्यासा नहीं रहता, माँ के पास जाकर कोई भूखा नहीं रहता और गुरु के पास जाकर कोई अज्ञानी नहीं रहता। भगवान शिव शंकर के सामने सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना भूमिका बनाए अपने मन की बात शिव चरणों में समर्पित कर दें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपकी आराधना और सफलता के पश्चात अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने आपका अनुसरण करते हुए श्री महागणपति तीर्थ में तपस्या और आराधना की। कृपा करके आप मुझे उनकी सिद्धियों का परिचय दें। देवर्षि ने अपने प्रश्न की भूमिका कुछ ऐसी बनाई कि श्री महागणपति तीर्थ संबंधित पावन कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई है। देवी, विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की आराधना तो जन्म पाने वाले हर जीव का कर्तव्य है। श्री महागणेश तो हर जीव के मन में बसे हैं। फिर उस पुण्यधाम का क्या कहना, वहाँ तो नित्य ही श्री महागणेश के भक्तों का मेला लगा रहता है। परंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है स्वामी। निसंदेह न तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और न ही देवर्षि के। तुम दोनों को संतुष्ट करने के लिए मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री महागणेश से अपने वर्तमान जन्म में नहीं अगले जन्म में आराधना के फलस्वरूप इच्छित वरदान की कामना की थी। नारायण नारायण, उसकी कामना क्या थी भोलेनाथ? श्रीधर वाणिक नाम का ये गणेश भक्त श्री महागणपति तीर्थ का अनन्य भक्त था। नियमित रूप से पूजा आराधना करके उसने श्री महागणेश को प्रसन्न किया और श्री महागणेश से प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में किसी विशाल राज्य का राजा बने और राजसी सुख का उपभोग करे। श्री महागणेश भक्त श्रीधर वाणिक अगले जन्म में अवश्य ही राजा बना होगा। भोलेनाथ, कृपा करके हमें ये बताएं कि इस वर्तमान विश्व में कौन है वो राजा? नहीं देवर्षि, अभी तक उसका ये वरदान फलित नहीं हुआ है, परंतु शीघ्र ही श्री महागणेश की कृपा से उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारायण नारायण, भोलेनाथ, क्या अब तक उसका जन्म ही नहीं हुआ? निषाद राज के पुत्र युवराज नल के रूप में उसका जन्म हो चुका है। इस समय भी निषाद राज की राजसभा में युवराज नल की जय जयकार हो रही है। उपस्थित सभाजनों एवं प्रजावासियों, आज मैं आप सबके सामने इस राजसभा और अपने आराध्य श्री गणेश को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं शीघ्र ही अपने पुत्र युवराज नल का राज्याभिषेक करूंगा और इन्हें राजा का कर्तव्य एवं उसका उत्तरदायित्व सौंपकर मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। महाराज निषदराज और युवराज नल की जय। महाराज की जय हो। कहें महामंत्री विदुषेन जी, किसका संदेश सुनाना चाहते हैं आप? विदर्भ राज के महाराज भीम ने अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है। साधु साधु। हमारे युवराज नल को उस स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महामंत्री विदुषेन जी, विदर्भ राजकन्या के राज स्वयंवर का मुहूर्त कब है? महाराज, विदर्भ राज ने माघ मास की पूर्णिमा के दिन युवराज नल से विदर्भ पहुंचने का अनुरोध किया है। युवराज नल वहां अवश्य जाएंगे। विदर्भ राज को हमारी ओर से राजकीय स्वीकृति भेज दी जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र नल, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर का आमंत्रण पाकर भी तुम प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे, क्या बात है पुत्र? क्या तुम स्वयंवर में जाने के इच्छुक नहीं हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा होगी तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी आज्ञा की नहीं पुत्र, तुम्हारी इच्छा की बात पूछ रहा हूं। पिताश्री, स्वयंवर में राजपुरुषों को केवल प्रदर्शन बनकर ही जाना पड़ता है। स्वयंवर कन्या अनेक पुरुषों में से किसी एक पुरुष का चुनाव करती है और शेष को निराश होना पड़ता है। जो पुरुष स्वयंवर कन्या के द्वारा वर के रूप में नहीं चुना जाता, उसके मन में अपनी कमियों के प्रति कांटा चुभने लगता है। यह तो सच है पुत्र, और यह केवल स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में ही सच नहीं है, किंतु जीवन की हर स्पर्धा में सच है। विजय तो केवल एक को ही मिलती है, और जानते हो विजय किसको प्राप्त होती है? जो विजय पाने के लिए प्रयास करता है और जिसके भीतर विजय को प्राप्त करने का उत्साह और आत्मविश्वास होता है। पुत्र, स्वयंवर रचाने वाली राजकुमारी उसी राजपुरुष के गले में वरमाला पहनाती है जिसके साथ उसका संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। पुत्र, पुरुष और स्त्री के मिलन का निर्णय यहां नहीं, वहां लिखा होता है, विधाता की लेखनी से। इसलिए इसे विधाता का विधान मानकर ही स्वीकार कर लो, निराश होकर नहीं। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा देने से पूर्व मुझे राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए सोचने का कुछ अवसर दीजिए। पहचान नहीं पाए। नारायण नारायण। मैं अपनी पहचान में केवल इतना कहूंगा कि पूर्व जन्म के परम महागणेश भक्त को जन्म जन्मांतरों का महागणेश भक्त प्रणाम करने के लिए प्रकट हुआ है। तुम मुझे जानते और पहचानते भी नहीं, परंतु तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से मेरा नाम सुना अवश्य होगा। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में जाना और पहचाना जाता है। धन्य भाग्य देवर्षि, धन्य भाग्य। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। आपने अपने परम कल्याणकारी दर्शन देकर मुझ पर महान कृपा की है। नारायण नारायण। युवराज दल, इस समय तुम्हारे सामने आने की प्रेरणा मुझे विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ने ही दी है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। पूर्व जन्म की कथा? मुझ जैसे साधारण? नारायण नारायण। युवराज दल, जिस जीवात्मा की चर्चा पुण्यधाम कैलाश लोक में प्रत्यक्ष कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली हो, वो साधारण नहीं, असाधारण है। पूर्व जन्म में रांझण गांव के श्री महागणपति तीर्थ पर श्री महागणेश की आराधना करने वाले तुम श्रीधर वणिक थे। अपनी आराधना और पूजा से तुमने श्री महागणेश को प्रसन्न करके इस जन्म में राजा बनने की कामना की थी। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होने में अब अधिक समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ये याद दिलाने के लिए आया हूँ युवराज नल, कि अपने पूर्व जन्म की परंपरा का पालन करते हुए इस जन्म में भी तुम श्री गणेश की आराधना और पूजा में लीन रहो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम पर श्री महागणेश की कृपा बनी रहेगी। युवराज नल, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण तो है, परंतु देवर्षि इतने वर्षों बाद मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने इसी समय क्यों प्रकट हुए, जब मुझे विदर्भ की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर में जाने का निमंत्रण मिला? कहीं देवर्षि का उद्देश्य राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, यह मात्र एक संयोग है। यदि उनका उद्देश्य होता तो वे अवश्य मुझे निर्देश देते। श्री गणेश, हे बुद्धि और सिद्धि के दाता, जब से विदर्भ देश के अधिपति मेरे पिता महाराज भीम ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया है, तब से मेरा मन चिंतित और विचलित रहने लगा है। हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए योग्य वर का चुनाव कैसे करूंगी। किसी व्यक्ति के रूप मात्र से उसकी योग्यता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है प्रभु। कहीं अनुमान लगाने में मुझसे भूल न हो जाए। आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना है बुद्धि निधान। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना है श्री गणेश। जय श्री गणेश। महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। परम पूज्य आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश, अपने इस सेवक दयासुर पर दया दृष्टि कीजिए। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। हे मंगल गुरु, पिछली बार आपने मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दिया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तब आप अवश्य ही मेरा स्मरण करेंगे, परंतु तो तुम ये सोचते हो कि तुम बिना हमारे स्मरण किए ही यहाँ प्रकट हो गए? ये ना भूलो दयासुर, प्रत्येक भक्त की गतिविधियों पर हमारी दृष्टि रहती है। अपने भक्त के हर उचित और अनुचित काम का ज्ञान भी हमें रहता है। जय जय श्री महावनीश। प्रभु मंगलमूर्ति, जब आप इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, तो अपने भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों ना होगी? हे प्रभु, मैं तो पिछले लंबे समय से लोभासु से गणेश दास बने परम गणेश भक्त के साथ श्री गणेश तीर्थों की यात्रा पर था। जिस गणेश तीर्थ पर मैं पहुंचा, वहाँ आपकी मनोहर छवि को देखकर मेरा मन आनंदित हुआ। अपनी तीर्थ यात्रा को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। अब मेरे लिए क्या आदेश है गौरीपुत्र श्री गणेश? आपने पिछले लंबे समय से मुझे अपने पावन आदेशों से दूर रखा है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। पूर्व जन्म में हमारे एक भक्त श्रीधर वणिक ने इस जन्म में निषेधराज पुत्र नल के रूप में जन्म लिया है। पिताश्री भगवान शिव शंकर का संकेत पाकर देवर्षि नारद आप उसे भक्ति परंपरा का महत्व भी समझा चुके हैं, पर अभी उसका मन भ्रमित है। विधाता के विधान से उसका विवाह विदर्भराज भीम की कन्या राजकुमारी दमयंती से होना पूर्व निश्चित है। तुम उसे भक्ति का महत्व समझाकर दमयंती स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय मंगल मूर्ति श्री गणेश। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और जिज्ञासा प्रकट कर दूं। अवश्य। मंगल मूर्ति, क्या राजकुमार नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भेजने के पीछे कोई और कारण भी है? चतुराई का भी प्रयोग किया करो दयासुर। कुछ देर पहले ही हमारी परम भक्त राजकुमारी दमयंती की प्रार्थना हम तक पहुंची है और इसी रूप में हम उसे उत्तर देना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। राजकुमारी के स्वयंवर में जाने का दिन भी आ गया, पर मैं अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए अथवा नहीं। पिताश्री की आज्ञा ठुकराना भी तो संभव नहीं। मैं जानता हूँ मेरे व्यवहार से उन्हें खेद होगा, पर जब तक मैं राजकुमारी दमयंती की एक झलक नहीं देख लूंगा, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। युवराज की जय हो। युवराज, महाराज ने आपको स्वयंवर में जाने का स्मरण करवाया है। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने के लिए आपका इसी समय प्रस्थान करना आवश्यक है। सेवक, सारथी और सैनिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पिताश्री से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बिना मेरी इच्छा जाने मेरे प्रस्थान का आयोजन करवा के पिताश्री ने मेरे निवेदन की उपेक्षा की है। परंतु युवराज, सच पूछा जाए महामंत्री जी, तो मैं स्वयंवर में जाने का इच्छुक भी नहीं हूँ। आपका ये निर्णय सुनकर महाराज को बहुत दुख होगा। युवराज, कृपा करके मुझे विवश न करें। महामंत्री जी, महाराज से जाकर निवेदन करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो आज्ञा युवराज। श्री महागणेश, क्यों अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो नल? अनन्य सुंदरी राजकुमारी दमयंती स्वयंवर में केवल तुम्हारे लिए ही वरमाला लेकर आएगी और तुम वहां जाना नहीं चाहते। कौन है आप और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय श्री महागणेश। युवराज, आपने मन ही मन राजकुमारी दमयंती की झलक देखने का हट किया था। राजकुमारी दमयंती का ये चित्र आपके हट का परिणाम है। इसे देखने के बाद आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आप छुपकर बातें क्यों कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आती? परम देव श्री महागणेश की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता युवराज। इस समय परम देव का इच्छा संकेत आपको देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अदृश्य महापुरुष, आपकी बात और परमदेव की इच्छा मानने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि राजकुमारी दमयंती ने मेरा चुनाव नहीं किया तो? आपका प्रश्न व्यर्थ है युवराज। राजकुमारी दमयंती आस्थावान गणेश भक्त हैं, उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए श्री महागणेश का स्मरण करके तुरंत विदर्भराज की ओर प्रस्थान करो और मेरे साथ बोलो जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। युवराज की जय हो। महाराज निषदराज आपसे भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। राजकुमारी दमयंती की झलक तुमने देख ली युवराज, अब तुम्हें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस चित्र के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। श्री महागणेश की इच्छा से फिर भेंट होगी। जय जय श्री महागणेश। पिताश्री, पिताश्री, मैं राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पुत्र, श्री महागणेश की कृपा से तुम सफल और विजयी हो। महामंत्री विदुसेन, आप भी युवराज के साथ विदर्भ राज्य प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। विजयी भव। श्री महागणेश। गणेश भक्त देवी दमयंती, मेरे आराध्य श्री गणेश के आदेश पर मैंने अपनी चतुराई का प्रयोग करके तुम्हारा ये चित्र युवराज नल के सामने प्रस्तुत कर दिया, परंतु पता नहीं युवराज नल। नारायण नारायण। दयासु युवराज नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने ही वाले हैं। इसी कारण उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए मैं विदर्भ जा रहा हूँ। नारायण नारायण। तुम्हारे हाथों में इस अनन्य सुंदरी का चित्र देखकर कोई भी तुम्हारी गणेश भक्ति पर शंका कर सकता है, इसलिए याद रहे भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण चतुराई कभी न करना। जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। युवराज, आप एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं विदर्भराज महाराज भीम को आपके पधारने की सूचना देकर आता हूँ। जय जय श्री महागणेश। युवराज नल, विदर्भ राज्य में आपका स्वागत है। आइए। नेशनल की जय।